गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चे, फिर से आज का क्लास आपका शुरू हो रहा है, क्लास 7 मैथ, जिसमें हम आज पढ़ेंगे अभ्यास 8.2 का पार्ट नंबर 2। इसके पहले वीडियो में हम बच्चों पार्ट 1 में प्रश्नावली जो आपका 8.2 है उसमें हम 1 से लेके सवाल नंबर 4 तक सॉल्व किए थे, और आज आगे हम सवाल सॉल्व करेंगे। आज का जो हमारा सवाल है 5वां नंबर सवाल है इस प्रश्नावली का। चलिए देखते हैं कि जो 5वां नंबर सवाल है वह क्या है। तो आपके बोर्ड के स्क्रीन पर लिखा गया, देख लीजिए क्या कहा जा रहा है कि एक संख्या के 1/3 भाग में उसका 1/4 भाग घटाने पर 4 शेष है, संख्या बताइए। क्या कहा गया बच्चों कि मान लीजिए कोई संख्या है, उस संख्या का 1/3 भाग में से उसी संख्या का 1/4 अगर हम घटाते हैं तो हमको कितना शेष प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। तो हमें उस संख्या को ज्ञात करना है। तो बच्चों आप जानते हैं कि इस प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसमें हम कोई चर पद मानते हैं। यानी जो अगर मान लीजिए हमको संख्या ज्ञात नहीं है तो उसमें हम मान लेते हैं कि वह संख्या कितना है, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे इस सवाल को एक्स मान के ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमको जो संख्या ज्ञात नहीं, तो हमने यहाँ मान लिया कि माना संख्या एक्स क्या है, एक्स। अब आ जाइए प्रश्नानुसार, यानी कि हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि एक संख्या के 1/3 भाग में से, तो इसका यानी एक्स का 1/3 भाग, तो क्या आ जाएगा यदि एक्स में हम 1/3 से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा एक्स का 1/3 भाग। फिर क्या कहा गया है कि उसी का 1/4 भाग घटाने पर, यानी हमें एक्स का ही क्या करना है, इसी के 1/3 भाग में से 1/4 भाग को क्या करना है, घटाना है। तो हम घटाने के लिए माइनस का चिन्ह प्रयोग करेंगे और इसी का यानी एक्स का क्या कर देंगे, 1/4। उसके बाद क्या कहा, घटाने पर शेष 4, यानी जो हमारा बराबर बचता है वह कितना बचता है, 4 बचता है। बच्चों यह हो गया इसे कहने के आधार पर हमने इसको एक समीकरण के रूप में लिखा। अब इसको हम हल करेंगे। अब देखिए बच्चे, एक्स का गुणा अगर 1 में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, एक्स 3 हो जाएगा या माइनस, और एक्स में 1 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स और 2 हो जाएगा 4, बराबर हो जाएगा 4। अब देखिए बच्चे, यह हमारा एक प्रकार का भिन्न हो गया, लेकिन यह हमारा चर पद भी है। तो देखिए आप जानते हैं कि जब हमारा कोई भिन्न होता है तो उसको हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, तो हम देखते हैं कि हर कोई समान है कि नहीं। जो हर है, अगर हमारे किसी भिन्न का हर समान होता है तभी हम क्या करते हैं, ऊपर सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा हम उसको हम जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। तो यहाँ हमको क्या करना है, घटाना है। तो बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हर को क्या करेंगे, हम सेव करेंगे। तो बच्चों 3 और 4 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 3 और 4 का एलसीएम जो होगा, तो देखिए पहले 2 से कटेगा तो आप 3 विभाजित नहीं होगा, तो 2 2 2 4 यानी 2 4, फिर हमारे यहाँ 2 से 3 2 करना 2, और यहाँ आ जाए 3 से देंगे भाग, 3 करना 3 3 करना 3, और यहाँ देखिए 2 2 4 4 3 5, यानी 3 और 4 का एलसीएम हमारा कितना हो गया बच्चे, 12 हो गया। तो देखिए एक्स बटे 3 में हम कितने का गुणा करेंगे कि हमारा 12 हो जाए, तो 4 करते हैं, हम ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, यानी आंसर हर में 4 से गुणा कर देंगे। उसके बाद देखिए बच्चे हमारा है एक्स बटे 4, अब 4 में कितने गुणा करेंगे 12 हो जाए, 3 से, तो ऊपर और नीचे कितने से गुणा कर देंगे, 3 से। अब देखिए बच्चे ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा कर देंगे, तो देखिए बच्चे 4 में एक्स का गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4x, 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया जब किसी अचर और चर पद का गुणा होता है तो उसमें हमारा जो अचर पद होता है उसको हम पहले लिखते हैं और जो हमारा चर पद होता है उसको हम बाद में लिखते हैं।
देखिए बच्चे यहाँ पे हमारा हो जाएगा तीन चौके 12 हो जाएगा माइनस तीन में एक सब बोला हो जाएगा 3x/12 बराबर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे बच्चों मिस्टेक से लिखा गया है 12 और यहाँ हमारा रहेगा 4 ही होगा। अब देखिए बच्चे हमारा जो नीचे वाला हर था वह क्या है सेम है 12, तो हम क्या करते हैं हमको यहाँ घटाने के चिन्ह लिखा गया है तो हम क्या करेंगे ऊपर वाले में से ऊपर वाले को घटा देंगे। तो बच्चे जब हम 4 में से 3x को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 1, तो 1 लिखा नहीं जाता है तो यह हमारा हो जाएगा x और बटे हो जाएगा हमारा 12 और यहाँ पे हमारा 4, तो इसके बटे भी हम क्या 1 मान सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे इसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x में 1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा x और 12 का गुणा 4 में करेंगे तो 12 चौके 48, तो हमको x का मान कितना मिल गया 48, यानी वह संख्या हमारी कौन सी है वह 48। यदि हम इस संख्या का 1/3, चलिए हम इसकी जांच भी कर देते हैं, यानी 48 का 1/3 में से क्या घटाना है इसी 48 का 1/4 घटाना भी है तो कितना आना चाहिए हमें कितना प्राप्त होना चाहिए 4। चलिए देखते हैं तो 4 3 6 18 और यहाँ हमको मिलेगा 4 4 4 8 और देखिए 16 में से हम 12 घटाएंगे तो मिलेगा 4, तो हमारा सवाल क्या है सही है। तो यह संख्या क्या बच्चे हमारा 48 है। तो बच्चों आप क्या करेंगे जो भी सवाल आपको इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम यानी शब्दों के रूप में मिलेगा आप उसको क्या करेंगे पहले अच्छे तरीके से 2-3 बार पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ने के बाद उस सवाल को आप क्या करेंगे पहले समीकरण के रूप में आप व्यवस्थित करेंगे, उसके बाद जब आपका समीकरण बन जाएगा तो आप समीकरण सॉल्व करना आपको बताया ही है तो आप उस समीकरण के नियम से क्या करेंगे उसको सॉल्व कर देंगे। तो यार आपके पांचवें सवाल का हल, तो चलिए बच्चे आते हैं आप 6 नंबर सवाल पर। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं सवाल नंबर 8। तो बच्चों हमने आपको 5th नंबर सवाल बताया है तो उसके नीचे आपके 6 नंबर और 7 नंबर सवाल जो है उसी प्रकार से आपको उसी प्रकार से सॉल्व करना है। अब चलिए हम बताते हैं आपको 8 नंबर सवाल और 8 नंबर का जो सवाल है सेम उसी प्रकार से आपका 10 नंबर सवाल है, उसके बाद जो हम 9 सॉल्व करेंगे उसी प्रकार से आपका 11 नंबर सवाल है। तो आपको 8 हम जिस तरीके से बताएंगे उसी से आपको 10 नंबर सवाल को सॉल्व करना है और जिस प्रकार से 9 सवाल आपको बताया जाएगा उसी प्रकार से आपको 11 नंबर का जो सवाल है उसको आपको सॉल्व करना है। तो चलिए पहले हम हल करते हैं आपको अब 8वां सवाल। देखिए बच्चों क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 31 है, कितना 31 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया बच्चे 2 क्रमागत संख्या, क्रमागत का मतलब होता है लगातार यानी एक के बाद दूसरी संख्या, और उन संख्याओं का जो योगफल है वह आपका कितना दिया गया 31 दिया गया है और आपसे पूछा क्या कहा गया है कि उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो चलिए हमको तो संख्या मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे पहले हम मान लेते हैं कि संख्या क्या, तो माना संख्या माना पहली संख्या क्या है, माना पहली संख्या एक तब दूसरी तथा माना पहली संख्या यक्ष है तथा दूसरी संख्या क्रमागत मतलब यक्ष के बाद क्या होगा x+1, वह क्या होगा x+1, मैंने मान लिया यहाँ की जो पहली संख्या है कितना यक्ष है तथा दूसरी जो संख्या है वह x+1 है। अब प्रश्नानुसार आ जाए क्या कहा गया है कि इन दोनों संख्याओं का जो योगफल है वह आपका कितना है 31 है, तो चलिए हम दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं यानी x+x+1 बराबर कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों ब्रैकेट को हटाएंगे तो इसको हम लिखेंगे x
प्लस एक्स प्लस वन बराबर कितना देगा? 31,000। चलिए बच्चे देखिए, अब यह हम ब्रेकेट को हटाएं तो हमारा क्या मिल गया, एक्स प्लस वन बराबर कितना हो गया हमारा 31 हो गया। अब देखिए अचर पद को हम जोड़ देंगे बच्चे, एक्स और एक एक्स यहाँ पे, तो एक एक कितना हो जाएगा 2x प्लस एक बराबर कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। अब देखिए बच्चे क्या करेंगे, हमें x का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, चर पद वाले को अलग करेंगे और अचर पद को अलग करेंगे, तो हमारा यहाँ हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 31 माइनस एक। और जब बच्चों हम 31 में से एक घटाएंगे तो हमारा मिल जाएगा यहाँ पे 30, यहाँ हमारा हो जाएगा 2x और x बराबर हमको मिल जाएगा 30/2। अब बच्चे जब हम 30 में 2 से भाग देंगे तो हमको मिलेगा 15, यानी तो हम कह सकते हैं कि x का जो मान मिला है वह कितना मिला है बच्चों, 15। इस प्रकार से हमारी जो पहली संख्या है वह कितनी हो गई है, 15। अब दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या जो हमने माना है क्या है, एक्स प्लस वन है, एक्स के स्थान पर कितना लग गई 15, तो यहाँ 15 प्लस एक बराबर कितना हो गया 16। तो इस प्रकार से बच्चे हम कह सकते हैं कि जो दो क्रमागत संख्याएं हैं जिनका योगफल 31 है, उनमें से हमारी जो पहली संख्या है वह क्या है 15 है और जो दूसरी संख्या वह 16 है। क्या लिखेंगे, अतः पहली संख्या 15 और दूसरी संख्या 16, और यही आपको क्या आ जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आपका सवाल समाप्त हुआ, और आपको क्या करना है, इसी प्रकार से सभी सवाल नहीं तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपका जो है 10 नंबर सवाल आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। अब चलिए आते हैं हम 9 नंबर सवाल पे, उसके बाद हम तो चलिए बच्चों देखते हैं 9 नंबर सवाल, यानी 9 नंबर का जो सवाल है आपके अभ्यास 8.2 का जो आपके स्क्रीन पे लिखा गया है, बोर्ड पर क्या कहा जा रहा है पढ़ लेते हैं इसको। कहा गया दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 50 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया बच्चों कि मतलब दो क्रमागत यानी दो लगातार संख्याएं हैं जिनका योग कितना है 50 है, उन संख्याओं को हम ज्ञात करें। तो देखिए पहले बच्चों इसके पहले जो हमने सवाल लगाया वहां पे हमको केवल क्रमागत शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, एक शब्द और जोड़ दिया गया है सम। तो आप जानते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं, यानी दो चार यानी दो वे संख्या जो दो से विभाजित हो जाती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो हम यहाँ मानेंगे कोई अगर संख्या मानेंगे तो हम सम संख्या मानेंगे। तो बच्चों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमको कोई संख्या तो दी नहीं गई है। तो आप चलिए तीसरे सवाल को पढ़ते, क्या कहा गया कि दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 50 है, उन संख्याओं को ज्ञात कर ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चे यहाँ माना पहली क्रमागत संख्या, पहली सम संख्या 2x तथा जो दूसरी सम संख्या 2x प्लस में 2 सम लाना, तो यहाँ पे दो हम क्या कर देंगे ऐड, 2x प्लस 2 क्या हो जाए। देखिए अगर x के स्थान पे हम एक रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अगर 2x है तो यहाँ पे देखिए अगर हम x के स्थान पे कितना रखेंगे 1, तो 2 का मान कितना आ जाएगा 2, सम संख्या है। अब यहाँ क्या बच्चों 2x प्लस 2 यहाँ पे हम एक रखते हैं तो क्या होगा 2 × 1 प्लस 2, तो 2 करना 2 और प्लस 2 तो कितना आ जाएगा 2 × 2 = 4। तो देखिए 2 अभी हमारा क्या है सम संख्या और 4 भी सम संख्या है, तो हमने जो माना है संख्या सही है। अब क्या करते हैं बच्चों प्रश्नानुसार,
प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है कि इन संख्याओं का योगफल कितना है, चार है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न, सॉरी चार नहीं पचास है, प्रश्न अनुसार दो एक्स प्लस दो एक्स प्लस दो बराबर कितना है पचास। ठीक, अब देखिए ब्रेकर को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, दो प्लस दो एक्स प्लस दो, यहाँ पे हमारा क्या प्लस चिन्ह है, तो ब्रेकर हटाएंगे तो इसके ब्रेकर के अंदर जो हमारे अंक लिखे गए हैं उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर यहाँ पे हमारा माइनस होता तो पड़ता, लेकिन हमारा क्या प्लस संख्या है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ हमारा कितना आ जाएगा पचास, अब यहाँ देखिए दो एक्स और दो एक्स दोनों समान चिन्ह है, प्लस है तो क्या होगा जुट जाएगा, दो तो कितना आ जाएगा चार एक्स और प्लस दो बराबर कितना आ जाएगा पचास। अब इस दो को हम उधर ले जाएंगे, इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, तो चार एक्स बराबर क्या आ जाएगा पचास माइनस दो। अब जब पचास में से हम दो घटाएंगे तो कितना मिलेगा अड़तालीस, यानी चार एक्स बराबर क्या हो गया अड़तालीस, और एक्स बराबर हो जाएगा अड़तालीस बटे चार, और जब हम अड़तालीस में एक चार से भाग देंगे तो चार कन्म चार चार गुना आठ, यानी जो एक्स का मान मिला वह तो हमें कितना मिल गया बारह। तो चलिए हमने जो संख्या माना है वहां पे एक्स का क्या करते हैं मान रखते हैं। चलिए बच्चों देखिए पहली संख्या हमारी क्या होगी, पहली संख्या में कितना माना है दो एक्स, अब एक्स के स्थान पर हम कितना रखेंगे बारह, तो आ जाएगा दो गुणे बारह, तो बराबर बारह गुना कितना आ जाएगा चौबीस, यानी जो हमारी पहली संख्या होगी वह कितनी होगी बच्चा चौबीस होगी, और दूसरी संख्या हमने कितना माना है दो एक्स प्लस दो, तो यहाँ पे देखिए बच्चे अगर एक्स के स्थान पर बारह रखेंगे और यहाँ पे दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा बारह गुना चौबीस प्लस दो, तो चौबीस प्लस दो कितना आ जाएगा छब्बीस। तो देखिए बच्चों पहली संख्या हमको कितना मिला चौबीस मिला है यह सम संख्या, और दूसरी संख्या क्या है छब्बीस, और लगातार है दोनों, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर भी कितना आएगा पचास आएगा, चौबीस और छब्बीस कितना होगा पचास, तो इस प्रकार से हमारा हल सही है। तो बस बच्चों आज से क्लास यहीं पर समाप्त होता है, और जो बाकी के सवाल हैं आपको इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, और इसके आगे के जो सवाल हैं आपका जो होमवर्क है वह सवाल नंबर 10 और 11 इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, और इसके आगे का जो सवाल है हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे बच्चों। और बस आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है, और आपका क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।